नमस्कार दोस्तों, कैसे ग्रीन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे जो है वो आप पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं और एक लिंक के जरिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम लोग इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि रिजल्ट कैसे देखें। ऐसे में हमें बहुत सारी वीडियोज या फिर वेबसाइट्स मिलती है जो हमें एक दूसरे लिंक पर जो है वो लेकर के जाती रहती है और रिजल्ट जो है वो हमें आसानी से वहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट जो है वो आप अपना आसानी से कैसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और क्या जो है वो आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं तो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम जो है वो इस तरह की नई नई जानकारियां आपके लिए जो है वो लेकर के आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप सीधा चले जाइए अपने इंटरनेट ब्राउजर में, चाहे वो हो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कहीं पर भी। उसके अंदर आपको लिखना है PU यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर लिखना है CHD यानी चंडीगढ़, फिर लिखना है .ac.in। ये लिंक जो है वो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए PUCHD.AC.IN पर। जैसे ही आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर विजिट होते हैं, आपके सामने जो है वो एक नया पेज ओपन होता है, वो होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लिखा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी। पहले जो है वो पंजाब का नाम जो है वो PANJAB ही होता था, जिस समय पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ इंक्लूड था। बिल्कुल जैसा आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है, 1882 में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन उस समय जो वो लाहौर में थी, जो कि अब जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन अभी जो ये चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश्ड है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको जो वो लेफ्ट साइड में ऑप्शंस मिलते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के ऑप्शन के नीचे जो है वो एग्जामिनेशन के नीचे आपको मिलेगा रिजल्ट्स का ऑप्शन, आप उसको जो है वो क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक आपको दूसरे लिंक पर लेकर के जाया जाता है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। वहाँ से आपको करना है यहाँ पर अपने सेशन का चुनाव कि आपको कौन से सेशन के रिजल्ट जो है वो चाहिए, यानी आपने अगर मई 2017 में रिजल्ट एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर आपको उसके जो है वो जानकारी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से मई 2017 को जो है वो चुन लीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर चुनाव कर लेते हैं, आपके सामने जो भी नए रिजल्ट होते हैं वो दिखाए जाते हैं। इस समय जो है वो मई का कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं हुआ है अब तक लॉन्च, तो यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी सारे जो है वो अलग रिजल्ट मिल जाएंगे, जो कि है 30 मई 2017 का, डिक्लेयर हुआ था दिसंबर 2016 में। तो यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो आप देख सकते हैं, और वहाँ से जिस रिजल्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर जो है आप क्लिक कर लीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो आपकी PDF फाइल डाउनलोड जो है वो हो जाएगी। अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड ना करनी हो, तो काफ़ी सारे रिजल्ट होते हैं जो PDF फाइल के बगैर होते हैं, यानी कि वो जो है वो आपको रोल नंबर डाल करके अपना जो है वो रिजल्ट देखना होता है। तो अभी जो है वो आप लोग इससे देख सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन indiaresults.com का, आप विजिट कर जाइए indiaresults.com पे। वहाँ पर ऑप्शन होगा पंजाब का, तो आप जो है वो चुनाव कर लीजिए पंजाब का, और वहाँ पर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। ये है पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, आप देखना चाहते हैं जैसे कि इस रिजल्ट को, या फिर नीचे MCOM का रिजल्ट दिया हो, जिस रिजल्ट को देखना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक दूसरे लिंक पे लेकर के जाया जाएगा, वहाँ से जो है वो आगे एक लिंक और मिलेगा, वहाँ पर उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाता है आपके सेमेस्टर के बारे में, तो आपका सेमेस्टर कौन सा था वो चुन लीजिए। एग्ज़ाम टाइप कौन सा था आपका, फुल सब्जेक्ट था, रीअपियर था, कौन सा था, उसका चुनाव करने के बाद आपको एंटर करना होता है अपना रोल नंबर। अपना रोल नंबर एंटर कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए श्योर रिजल्ट्स पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं श्योर रिजल्ट्स पे, आपके सामने आपका रिजल्ट जो है वो आपके रोल नंबर के अनुसार निकल करके आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप जान पाए होंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने जानकारी अच्छी लगी आपको, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, शेयर बटन पे क्लिक करके, फेसबुक आदि का चुनाव करके जो है आप अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो वो जान पाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमेंट में डालिएगा आप क्या कुछ नया जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।